एक्सेलेंस लेसन 100 करियर गाइडेंस ग्रुप सेशन आपके लिए अवेलेबल है। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ओके सो फर्स्ट यहाँ पे देखिए आपका प्लान योर सेल्फ PY। ओके सो हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अपडेट है इससे रिलेटेड वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए प्रिपरेशन आपको इसकी करनी है। ओके अरेंज प्रिपरेशन आपको करनी होगी। ओके विद आपके फर्स्ट लेटर करेंगे, आप खुद भी प्रिपेयर कर लीजिएगा खुद को। ओके इसमें आपकी जूम मीटिंग स्टार्ट होंगी। ओके देन ओके ओके लर्न करना है जो आपने प्रीवियस लेसन सीखा था 99 करियर से रिलेटेड था, वही आपको रिपीट लर्न करना है, रीलर्न करना है। ओके ताकि आपको इस लेसन में हेल्प हो सके। ओके देन स्टूडेंट टू ब्रिंग प्लीज यानी आप स्टूडेंट हो प्लीज ब्रिंग योर नोटबुक टू टेक नोट्स। ओके स्टूडेंट एक्टिविटी बुक विद करियर एक्सप्लोरेशन नोट्स एंड एनी क्वेश्चन दे हैव फॉर अ करियर गाइडेंस काउंसलर। ओके अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, देन उनसे आस्क कर सकते हैं। देन आपकी जूम मीटिंग पे प्रैक्टिस हो सकती है, उस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फैसिलिटेटर, लेकिन जूम मीटिंग ज़रूर होगी। ओके देन कंडक्ट ग्रुप सेशन हेल्प स्टूडेंट मेंटेन। ओके देन ओके एवरी वन ओके डिमोन्स्ट्रेट your own enthusiasm as a facilitator to keep their energy level high. Alright, then okay. So इसमें आपकी यही चीज़ आपकी होगी। Okay, so discuss. Okay, जो आप सीखोगे last of the वो आपको discuss करना होगा। Career plans also given. Okay, so जो भी आप सीखोगे चलिए वो start करते हैं। Go around the circle and also. ओके फर्स्ट देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। देखिए माय करियर गोल्स इज टीचर, ओनली फॉर एग्जांपल है इसमें से क्या आपको प्राइमरी टीचर यानी 1 to 5 तक के लिए बनना है या सेकेंडरी क्लास 6 to 8 तक और सीनियर सेकेंडरी क्लास 9 to 12 तक। सो आपको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे टिक करना है। ओके अपने अकॉर्डिंगली आपको टिक करना है। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे है ओके टू रीच माय गोल आई विल, आप अपने गोल को व्हेन एंड कब कंप्लीट हो जाएगा, यस और नो कंप्लीट है या नहीं है आपको यस और नो पे टिक करना है। ऑलराइट देन 12th क्लास से रिलेटेड दिया गया लेवल दिस स्टेप ऑलरेडी कंप्लीटेड अगर है तो कब आपने कौन से ईयर में कंप्लीट किया वो आपको राइट डाउन करना होगा। ओके कंप्लीट है या नहीं है उस पर टिक मार्क करना है। एज अ ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है, किस सब्जेक्ट में है ओके उसके बारे में ऐसे ही आपको ऑल ओवर आपको टिक करना है। आपकी कितनी एज अ क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई, आपके कौन कौन से कोर्सेस किए हैं, नेम ऑफ द कोर्स। ओके ओके सर्च अबाउट डिफरेंट टीचिंग कोर्सेस। ओके डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट बीएड बीईएड ओके बहुत सारी है, ये तो मुझे पता भी नहीं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स मैं इसमें ही देख पा रही हूँ। ओके एंड ऑलराइट सो ये ऐसे ही टिक करेंगे आप। ओके कोर्स का नेम यहाँ पे जो है ड्यूरेशन उसकी कितनी है। ओके फीस कितनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड है, कॉलेज नेम है, एंटर एग्जाम कब कब होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से 2 पे दिया गया है। सब अपने अकॉर्डिंगली इसको कीजिएगा। ओके सारे कोर्सेज आपने कौन कौन से किए हैं, क्या क्या तैयारी आप कर सकते हैं वो इसमें बताया गया है, कंप्लीटेड और नॉट। ऑलराइट अपने अकॉर्डिंगली ये आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स लर्नर्स, आई होप आपको ये लेसन में थोड़ा बहुत शॉर्ट था क्योंकि करियर काउंसलिंग से यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने 12 ग्रेजुएशन कंप्लीट की है नहीं है
करियर में क्या क्या, और करियर से रिलेटेड मैं आपके साथ पीडीएफ फाइल शेयर करूँगी, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। मुझे जितने इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप तक पहुँचाई, आई होप आपकी आपको ये यूज़फुल लगेगी। अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।